सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों, मैं अपने खेत में हूं आज और एक किस्म की बुआई कर रहा हूं जो समय से भी बोई जा सकती है और बहुत पिछेते में जाएं तो जनवरी 15 तक भी लगा सकते हैं, ऐसा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का मानना है। बहुत लंबे टाइम की है ये वैरायटी जो है, और मैं आपको बता दूं कि ये जब आई थी, रिलीज हुई थी, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के तराई वाले क्षेत्रों के लिए, और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए अनुमोदित हुई है। मैं फिर दोहरा दूं कि ये अगेते में भी लगती है, मध्य में भी लगती है, बहुत देर से ये 15 जनवरी तक भी बुआई की जा सकती है। इसकी विशेषता ये है कि एक तो समय लंबा ले लेती है कि आप इसको बो सकते हैं कभी भी, और नंबर दो, जब ये पकती है तो उत्तरी भारत में ये 122 दिन के अंदर बोने के बाद पक जाती है और पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहां पर 98 दिन के अंदर ये पकने की क्षमता रखती है, अगर बहुत पीछे ले जाएं इसको जनवरी के पास या दिसंबर के आखिर में। और जहां तक मैं इसको पढ़ा हूं, पहले भी मैंने कई बार लगाई है, तो इसकी चपाती जो है बहुत अच्छी होती है। इसका स्कोर जो था चपाती मेकिंग, वो 10 में से 8 है। बहुत मुलायम रोटी होती है, सफ़ेद होती है। मैं इस पर काफ़ी काम कर चुका हूँ पहले भी, मगर ये वैरायटी मुझको मिल नहीं रही थी। इस बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से मैं लाया हूँ और 20-20 किलो के 2 पैकेट मुझको ये मिले हैं। इसके साथ हमें 20 किलो के 1 पैकेट में 40 ग्राम दवा मिली है, टेबुकोनाजोल 2% DS। तो 1 किलो के लिए 2 ग्राम हम लगा रहे हैं दवाई, 20 किलो के लिए 40 ग्राम। तो 40 ग्राम, क्योंकि 2 थैले लाया हूं मैं 1 एकड़ की ज़मीन के लिए, और 2 पैकेट इसमें निकले हैं। ये 80 ग्राम दवाई है, 2 ग्राम टेबुकोनाजोल 2% वाला DS, आप उससे बीज को करेंगे उपचारित, और 1 बैग DAP का दे के हम इसकी बुआई करा रहे हैं। अगेते में बोने पर ये किस्म जो है 24 कुंटल के आसपास पैदावारी देने की क्षमता रखती है। साथ में अगर हम देखें, ये किस्म जो है बीमारियों से लड़ने की भी ताकत रखती है, जैसे पीला रतुआ है, भूरा रतुआ है, करनाल बंट है या ब्लाइट है, उनके प्रति रोग प्रतिरोधता रखती है। किस्म कुछ पुरानी जरूर है, मगर इसके गुण देखिए कितने अच्छे हैं। बहुत अगेते में भी लग सकती है, मध्य में। आज 21 नवंबर 2024 में है हम, और आज मैंने इसकी बुआई करा दी है या कर रहा हूँ। और साथ में अगर हम देखें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ये मानना है कि ये किस्म जो है, जब इसके चेक्स के साथ अन्य गेहूं की किस्मों के साथ तुलना की गई अगेते में, पिछेते में, बीच में, तो औसतन इसने 2.8 से लेके 13.5% तक का ज़्यादा पैदावारी दिखाई है। तो अच्छे बीज के लिए अगले साल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्कार।